हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज ये व्लॉग में हम अपनी दीदी के साथ आपका स्वागत करते हैं। हम आज अपनी दीदी का पेपर दिलवाने जा रहे हैं। आज हमारी दीदी का पेपर है और कल हमारा पेपर है, तो हमें लगता है हम शाम के समय लेट हो जाएंगे। तो जो एग्ज़ाम सेंटर है वो हमारे मोमन के घर के धुरे है, यानी कि नियर बाय, इंग्लिश में बोला था नियर बाय। हाँ ठीक है, तो मैंने मेहंदी लगाई, नए कपड़े तो मिलेगी, ये नए कपड़े नहीं पहने हुए आपने, एक बार पहन लीजिए। चलो कोई बात नहीं गाइस, ये तो लताओं की भूखी रहती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज हमारा जन्मदिन जो है हमारे मामान के घर मनेगा, तो हमने उनको बताया नहीं है, हमने उन्हें सरप्राइज़ देना आज कि आज हम उनके घर जा रहे हैं बिना बताए। तो चलिए गाइस, फिर हम आपको मिलते हैं थोड़ी सी देर में रोड सड़क से ऊपर जा रही है। जरा इसकी चप्पलें देखो, चप्पल दिखाइए, दोनों दो अलग अलग चप्पलों में पेपर देने जा रही है। मेरी क्या, मेरी तो है ही ऐसी गाइस। इसके पीछे ये कहानी है कि इसने मेरी चप्पल जो है ले ली है और ये मुझे चप्पल नहीं दे रही है, कहती है ये एक मैं लूँगी, तो इसलिए मैंने भी एक चप्पल ले ली और इसको मैं दे नहीं रही हूँ। अब अपनी चप्पलें तो लाई ली है अपनी ससुराल से और मेरी चप्पलें छीन रही है। दिखा कहाँ है, दिखा। मेरी चप्पलें इसको ज़्यादा पसंद आती हैं और मेरे को भी ये जिद होती है कि मैं अपने कपड़ा दे सकती हूँ लेकिन चप्पल नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे अपनी ऐसे ही चलेगी। आज हम भी अलग अलग चप्पलों में देख लियो, क्योंकि मेरे को इसको चप्पलें देने का मन नहीं है अपना। चप्पलें नहीं बदली है और दूसरी चप्पल में अलग अलग जा रही है, तो हमने भी नहीं बदली है, हम भी पूरे जिद दिए इसके। तो दीपिका आपको कैसा लग रहा है अलग अलग चप्पल पहन के अपने जो जा रहे हो मेट्रो में? भाई हम चप्पलों पे लड़ता आ रहे हैं घर से। मम्मी क्या कहना चाहोगे अपनी लड़कियों के लिए? इनका तो कभी नहीं करेगा, इनका तो चाय दे दो एक। नहीं सदा कमा जा, जा तू भी आ जा, फिर बुलाऊं बना रही हूँ। हाँ जा, टायर कैसे घूमेंगे? उसका पैर भिज दिया, अलमारी मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया। दीपो तू मचा ले, इसमें गाना चला दे वाला, 20 रुपए का गुलाबी फोन आवे तो चला। ओहो सच में ठोक रही है। अब गरम 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 सही है, अलमारी मरा दे दे। हम यहाँ आ चुके हैं अपने मामाओं के घर अपना जन्मदिवस मनाने। और ये देखिए यहाँ पे हम कुछ दिन पहले जो शादी वादी करवा गए थे इन लड़कियों की, एक इसकी और एक इसकी, इधर देख बीपी हो रहा था, इसका बीपी हो रहा था, इनकी हम शादी की एल्बम देख रहे हैं। ये लड़की मेरे से रुष्ट हो गई थी कि इसकी इसकी शादी का व्लॉग मैंने कम डाला था, इसकी का ज्यादा डाला था। तो अब देख रहे हैं मेरे ब्याह में मेरी फोटो कम इससे ज्यादा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं तो भाई दोनों पे कैसे फोकस हो जाए, इतना समय नहीं होता ना हमारे पास कंगने की कटिंग। तो गाइस मैं आपको अपनी फोटो दिखाती हूँ अभी। तो गाइस देखिए कितनी बड़ी फोटो आई, मिडल ऑफ बुआ, अरे रुक जाओ मेरे को। इंडिया एंड फादर इंडिया, यहाँ पे डैम जीजा, ये देखो ये हमारी दीदी, ये फोन पे जीजा। तो गाइस ये नहीं, अरे रुक जाइए। तो ये मेरी मम्मी टीका कर रही है वहाँ पे ना, मैंने किसी को वहाँ पे ना बोलने नहीं दे रही है किसी को, एक व्लॉग बना ले कोई। देख लो गाइस अपने ससुराल की बातें इतनी ज्यादा बता रही है कि हमें व्लॉग नहीं बनाने दे रही है। ये हमारी दीदी आ गई फिर से, ये मैं भी हूँ गाइस, रुक जाना यार, बड़ी अजीब सी कल हो गई थी। उंगली निशानी दिख भी था पे हमारी दीदी की उल्टियां लग रही थी, तो ये अब याद कर करके खुश हो रही है। इसने खूब सारे राशन फेला था, ये उल्टी लग गई आगे। हमारी नानी है गाइस, ये नानी को किराए की बना रही है। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, मामी बोलेगी सुनो। हाय गाइस, आज मेरी दोनों भांजी आई हैं, आज मेरी नंदी आई है, आज मेरी हाँ बोलो और क्या बोलूं, अरे पूरी नहीं बोली अभी बोलो। मेरी भांजी का बर्थडे, आज मेरी भांजी का बर्थडे है, आज पहली बार नहीं, आज हम दूसरी बार बर्थडे मना रहे हैं यहाँ वर्षा का। दूसरी बार कैसे? अब हम पहले छोटी जी का बचपन में मनाया था, अब शादी के बाद मना रहे हैं। आज कितने आए से बोलो, अब मेरी आवाज इतनी बढ़िया नहीं है, आवाज की हमें तो लग रही। खाना खाते खाते भी मेरे नीचे दूसरी
हेलो गाइस। हाँ बोलो। शादी के बाद मेरा पहला व्लॉग दीदी के फोन। शादी के बाद पहला व्लॉग दीदी के फोन में। सुना 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 सुन रहे हैं, तेरी सुन रहे हैं। दीदी का ब्याह होगा पर दीदी पतली नहीं। पतली नहीं दीदी, पतली नहीं है। दीदी का ब्याह होगा पर दीदी पतली नहीं। दीदी की हरकत तो वही। मैंने पहली बार लिखा था हैप्पी बर्थडे डियर बेटा जी। तो गाइस आज मेरी मामी ने पहली बार इंग्लिश में लिखा है हैप्पी बर्थडे डियर बेटा जी। सुनो बर्थडे बन गया आपको, आपको तो जरा से पर्सनल बात। मामी ने ना स्टेटस लगाना सीख लिया व्हाट्सएप पे। पहले अभी मैंने 2-4 बजे से पहली बार लगाया, अभी मैंने सीखे हैं नए। मामी ने नया व्हाट्सएप चलाना सीखा गाइस। तो आज हैप्पी बर्थडे दिखा दिए ना नहीं मुझे खाना खाते के बर्तन नहीं दिखेंगे। तो चलो गाइस हम जा रहे हैं। अब हमारी बहनों ने हमें बुलाया है विद केक की गैल इनविटेशन दे के। पिज्जा पार्टी दोगी? पिज्जा पार्टी चाहिए पिज्जे जैसी लड़की को। केक हम खिलाएंगे सुबह, पिज्जा तुम खिलाओ। अभी अभी टाइम देखो 9 बजे आ जाता है। दीदी लिखवा के लाइए केक पे और मेरी नानी के साथ हम केक काटने वाले हैं। नानी केक काटेगी आज। बाहर चल रही हो? बाहर चलेंगी बोल रही है। न्यू टूक कर है, बाहर चलना है। हैप्पी बर्थडे करो लड़के की दीदी। नानी हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी बर्थडे लड़के को बोला। गॉड ब्लेस यू। रोमत आ जा मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ खागी हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने आप से एक बार दे दो मेरे।
क्या ले तो ऐसे ऐसे सिपा दर्द इतना काफी सिपा दर्द ये हमारी बर्थडे गर्ल है आज बर्थडे केक छोड़ा नहीं मतलब वापस खिला सको हमारा बर्थडे है बर्थडे फोटो नहीं खिंचवा जिगर बाद में खिंचवा गाइस हमारा कर दिया फेशियल मुंह का दीपू दीदी आ जाओ दीपू दीदा आ जाओ चल तुम्हारे बिना मजा नहीं आता चलो तो गाइस पिज्जे लेने जा रहे हैं रात को इन्होंने घर बुलाया है पिज्जे वाला ओह माय गॉड टूटी चल रही है पानी बंद कर दो पैसा वैसा लेके आई है लौंडिया ब्याह के बाद बहुत रही होगी है कहाँ गया पिज्जे वाला वापसी तो नहीं चला गया रोड वोड पर गली में बढ़ गया हो कभी दे पैसा ये इनको दे कितने रुपए 50 रुपए की तुम वो जाना ना वो है 346 सौ रुपए दे 50 थे ये देख खोल दे होते जब तो पता होती 50 और 60 कितने पियो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक की खूब पीजे का डिब्बा दबा दिया आ तेरी बहन तुझे इतनी कोक पिला देगी इतनी कोक पिला देगी इतनी कोक पिला देगी किसी ने सोची नहीं होगी कि चल दे दे वापसी तो चलिए गाइस बाहुबली की तरह हम फिर से जन्मों की भूखी ऐसे खाते हैं देख ऐसे हाँ ऐसे खाते हैं तमीज से आ गया तो गाइस इसमें फोन फंस गया इसका पिज़्ज़ा खा लो दीदी को खा लो दीदी खा लो आधा आधा दीदी दीदी कर ले दीदी फोन बजावा घूम घूम की आवाज आवा सारे घर मना ढो दिया फोन ही तो नहीं पाया मैं कहीं डुबू ना लगी अभी लैटरिन बाथरूम में सब ना दे लाल मिर्च मत गए पर आपने दिया नहीं बोला ही कहेंगे देने सुन बीच में क्यों बैठे बड़े बुड्ढे ले लो गाइस हमारी नानी पिज्जा खा रही मैं पेट नानी पहली बार पिज्जा खा रही हो मैं कई बार खा लिया मोदे मोदे मामे कुछ कर लियो ऐसे खा लो गिलास नलाने के हल्का सी 2 लीटर की बोतल के मुंह लगा के अच्छा तुमने पिया तो मैंने पिया है तो बिना गिलास के अब बच्चा को नहीं देर में 2 गिलास ला ली अभी तो मैं पता लगा मिली क्यों कह रही बच्चा कौन मैं और नहीं थी 2 गिलास ला रही 4 लाएगी 2 मम्मी भी है और 2 मामी भी है वीडियो बना बड़ी बुजुर्ग मैं तो उठा के अपनी जेब में धरती हूँ चुप पैदल ही जाती फिर यू बी नोबडी आधे आधे गिलास देखो गाइस खुद ले लेके पी चुकी है कि कितनी खोज रहा ना मामी का डेली रूटीन है कान्हा जी को और राधा जी को नाइट ड्रेस पहना रही है हम बीच में आए हैं अभी ब्लॉग में देखा हमने अभी पहले उन्होंने ये वाली ड्रेस पहनी हुई थी आज जन ये क्या तीज के दिन और अभी उन्होंने लाइट सूट पहन लिया है दोनों ने तो देखिए गाइस ये हमारी मामी का डेली शेड्यूल है ये मेरे को पहली बार पता लगा आज देखिए रेड कलर का लाइट सूट है हमारे कान्हा जी का गुड नाइट बोल दो कान्हा जी को तुम बोलोगे कान्हा जी बोलेंगे और ये कान्हा जी का सारा सिंगार है कपड़े भी डेली धोते हैं
डेली धोती है। अच्छा जैसे हम ऐसे इनको भी डेली नहलाना होता है, फिर तो ठीक है। तो दो बड़े कान्हा जी हैं, राधा जी हैं, ये राधा जी हैं, कान्हा जी हैं, ये राधा जी हैं इधर वाली और ये कान्हा जी हैं इधर वाले और ये छोटे कान्हा जी हैं, ये हमारी निधि के हैं। अच्छा गाइस ये इसमें रात को कान्हा जी को प्यास लगे उसके लिए पानी रखा जाता है, यानी कि जल ठंडा पिज्जा दे रहा है ऊपर तो सर तक। ये रात को 11:30 बजे आया है और ये अब रात को ठंडा पिज्जा उधेड़ रहा है। मेरा जन्मदिन की पार्टी, तू बुड्ढों की तरह क्यों खा रहा है ये पीछे पीछे का छोड़ के? अरे एक दांत में दर्द हो रहा है इसलिए लेट बा, वो तो ठीक है पर वो दर्द तो उसके हिस्से का छोड़ दा दूसरे ये दूसरी झाड़ के हिस्से का छोड़ रहा है ना क्या। हम आपसी अपने घर को जल्दी है भाई जी, जा रही है मेरे को छोड़ के। छोड़ के क्या तुझे गैल ले जाएंगे अपने ससुराल जाइयो? नहीं जाना। तो गाइस हम चल दिए अपने घर वापसी, मेरी मम्मी पहले उतर चुकी है, हम लिफ्ट में अब चढ़े हैं। ये मेरे को छोड़ के मेरी बेस्ट कौन जा रही है? मेरी बेस्ट फ्रेंड जा रही है। मैं सोच हम बेस्ट चीज बन गया, मुझे कुछ और सुनो ना ज्यादा मत सुनो। चलो तो फिर चलिए हम चलते हैं, ये हमें छोड़ने जा रही है।